हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड का मैथ्स मैजिक की वर्कबुक देखने वाले हैं। इसके मैंने वन से लेकर सिक्स तक के चैप्टर बनाए हुए हैं। अगर आपको वो देखना है तो मेरी जो प्लेलिस्ट है स्टैंडर्ड थर्ड की, उसमें मैथ्स के जाके देख सकते हो। और जो इनकम्प्लीट है वो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आपके जैसे दूसरे फ्रेंड हो उनके साथ भी ये ज़रूर से शेयर कीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, तो एक हमें सैंपल दिया हुआ है, उसमें से जो नीचे क्वेश्चन के दिए हुए उसके हमें आंसर फिल करने हैं, और उसके अंदर ही सारे के सारे मिल जाएंगे। व्हाट इज़ द डेट ऑफ बर्थ ऑफ आदित्य? आदित्य की डेट ऑफ बर्थ कौन सी है? तो 13/11/2008 यानी नवंबर की 13 डेट है। फिर है, हाउ ओल्ड विल ही बी ऑन 13/11/2018? तो कितने साल का हो रहा है? 10 ईयर्स का। What will be his age on 13/11/2021? तो 21 में वो 13 years का होगा। What is the place of birth of Aditya? कहाँ पे हुआ है उसका birth? तो बहरामपुर। Is the date of registration the same as that of date of birth? तो yes, यहाँ पे हमें same date दी हुई है registration की। Next है क्वेश्चन 6 है, अ सैम्पल बर्थ सर्टिफिकेट इज सॉन बिलो। यहाँ पे जो हमें बर्थ सर्टिफिकेट दिया हुआ है, ये प्लेस आप देख रहे हो, ये आप में खाली होगी, सारी ब्लैंक है। तो यहाँ से देख के मैंने यहाँ फिल किया है, पर इसके अंदर आपको आपकी बर्थ डेट है और आपका जो नेम है, आपका जेंडर है, वही यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे नेम है तो आपका नेम लिखना है, मैंने यहाँ आदित्य लिखा है। फिर जेंडर, आप मेल हो या फीमेल, तो वो लिखना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका प्लेस लिखना है कहाँ पे हुआ है, आपकी मम्मी का नाम और पापा का नाम, इस तरह से यहाँ फिल करना है। 7 क्वेश्चन है, वहाँ पे हमें कई जगह है तो घड़ी जो है वहाँ पे फिल की है, तो कई जगह पे आंसर फिल किए हुए हैं, तो जो बाकी रहता है वही आपको करना है। जैसे कि यहाँ पे 6 o'clock बताया है, तो यहाँ पे मॉर्निंग वॉक 6 o'clock हम करेंगे। यहाँ पे हैज़ मिल्क, कितने बजे वो मिल्क लेता है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे टाइम दिया है, तो हमें यहाँ पे टाइम दिखाना है। यहाँ पे इन दोनों के मिडल में आएगा। फिर यहाँ पे टेक अ बाथ, तो 8:15 यहाँ पे बताया है, 8:45 को ब्रेकफास्ट होता है, तो इस तरह से हैज़ लंच, तो यहाँ पे 2 बजे का बताया है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। टेक अ नैप, तो नैप कब लेता है? 3:30 को, तो इस तरह से आएगा। फिर यहाँ पे 4:30 है, यहाँ 8:30 है, तो बस यहाँ पे आपको नाम लिखना है सब जगह। क्वेश्चन 8, व्हाट विल बी द टाइम इन द फॉलोइंग केसेस? यहाँ पे बताया है 2 hours after 8:30, तो हमें इसका जो भी 2 घंटे के बाद टाइमिंग क्या होगा, तो 10:30। 15 before 3:30, तो 3:30 के पहले 15 मिनट पहले क्या टाइम था, तो इसमें से हम माइनस कर लेंगे, तो 3:15 आएगा। यहाँ पे 10 minutes after 1:20, तो 1:20 के बाद 10 मिनट कितना होगा, तो 1:30। 20 minutes after 5:05, तो हमें 20 मिनट के बाद वाला दिखाया, तो इसमें एडिशन होगा, तो यहाँ 5:50 आएगा। 30 minutes after 4:15 यानी इसके अंदर हम 30 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 4:45 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे हमें बताया है, ट्रू द क्लॉक विथ द करेक्ट टाइम एंड क्रॉस टू द रॉन्ग। यहाँ पे जो टाइम करेक्ट है वहाँ पे हमें ट्रू करना है, तो जो रॉन्ग है वहाँ पे तो रॉन्ग ही आएगा, तो बस वही हम देखेंगे। 40 minutes past 4, तो ये वाला राइट है, तो यहाँ पे आएगा। 2:10, तो ये वाला आएगा। 10 minutes past 6, तो ये 6 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। इसी तरह से है 5:35, तो ये वाला आएगा। 2:45, तो ये आएगा। इसी तरह से ये फिल करना है। ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द, यहाँ पे नीचे जो टाइमिंग दिया है वहाँ पे हमें ड्रॉ करना है। 3:10 दिया हुआ है, तो ये आएगा। और फिर यहाँ पे 4 बज गए हैं और 5 मिनट हुए हैं, तो यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे 9 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, यानी 8:55, तो इस तरह से बताएंगे। 6:20 हुआ है, तो इस तरह से आएगा। 10:15 का ऐसे, और 2:55 का इस तरह से आएगा। नेक्स्ट मैच इट है, तो 1 ईयर यानी उसमें कितने डेज होते हैं? 365, February 2016, तो 29 डेज थे उसमें। सितंबर में 30 डेज है, दिसंबर में 31 डेज है, और 1 week यानी 7 days का होता है, फर्स्ट डे ऑफ वीक का मंडे होता है। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं।
यहाँ पे हमें आगे जो बॉक्स दिया है उसमें से फिल करना है हाउ ओल्ड आई वॉज ऑन 3rd June 2016, तो 7 years. व्हाट इज़ माई एज ऑन 3rd June 2017, तो 8 years. इन केस इन विच क्लास आई विल बी इन 2018 फॉर क्लास इन विच ईयर आई विल बी इन क्लास 5th 2019. यहाँ पे है इन विच क्लास समर विल बी इन 2020, तो यहाँ पे आएगा 6th क्लास. और ये है इन विच ईयर इन 2019 ही आएगा. नेक्स्ट ये मैच शीट देखते हैं, तो मैच शीट है न्यू ईयर्स डे. न्यू ईयर्स डे यानी 1st जनवरी, टीचर्स डे 5th सितंबर, चिल्ड्रंस डे 14th नवंबर, गांधी जयंती 2nd अक्टूबर, क्रिसमस डे 25 सितंबर और दिसंबर. ये आपको लाइफ टाइम के लिए काम में आएंगे, तो ये ज़रूर से लर्न कर लीजिएगा. तो कोई भी आपकी एग्ज़ाम हो तो उसमें जीके लेवल से ये काम में आएगा. न्यू ईयर्स डे संडे, तो यहाँ पे जो संडे है वो कैसे पता चलेगा, तो ये हमें यहाँ पे कैलेंडर दिया हुआ है. तो देखिए जनवरी का जो 1st डे है संडे से स्टार्ट होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे संडे आंसर लिखा है. टीचर्स डे ट्यूसडे क्यों है, तो वो कैसे पता चलेगा, तो 5th सितंबर को ट्यूसडे यहाँ पे दिखाया गया है कि जब भी टीचर सितंबर यानी यहाँ सितंबर में हम 5 डेट देखें तो यहाँ पे मंगलवार बताया है इसी तरह से. वैसे ही चिल्ड्रंस डे मंगलवार को है, गांधी जयंती सोमवार को है और क्रिसमस डे भी सोमवार को है, तो इसमें से आपको ये फिल करना है. राइट द नंबर ऑफ नेशनल हॉलीडे इन द मंथ ऑफ जुलाई, तो जुलाई मंथ में कोई भी हमारा नेशनल हॉलीडे नहीं आता, इसीलिए 0. ऑन विच डेट 2nd सैटरडे फॉल इन द मंथ ऑफ जुलाई, तो 8th जुलाई. व्हाट डे इज द इट ऑन 5th ऑगस्ट, तो ट्यूजडे. हाउ मैनी संडेज आर देयर इन द मंथ ऑफ जुलाई, 5th संडे. आर देयर एनी अदर डेज विच कम्स 5 times इन द मंथ ऑफ जुलाई, यस देन राइट इट. तो यहाँ पे आएगा यस मंडे एंड सैटरडे. कैन देयर बी 6 संडे इन द इन अ मंथ, तो नो आएगा. बस यहाँ पे इतना ही है. तो फिर से बता रही हूँ कि आपको जो भी है वो प्रैक्टिस करनी है, और जो भी आपको कोई क्वेरी है तो ज़रूर से मुझे कमेंट में बताइएगा. तो इस तरह से आपके साथ में वीडियो शेयर करती रहूँगी. थैंक यू.